जी सर, हम कल देख रहे थे गल्फ टोल के वो आपने जो उसको टैक्स वगैरह दिया हुआ है उसको उसी शेप के ऊपर कर देता जो आपने शेप सिलेक्ट करवाई होती है, ठीक है, उसी शेप में उसको शो करवाता जिस तरह पास टू कर रहा था। उसका थोड़ा एडवांस देखें तो वो आपके पास इनवेल्प टूल है, इसमें हमारे पास बहुत सारी शेप थी, ये अभी भी आपको नज़र आ रही है साइड के ऊपर। इनमें से कोई भी शेप सिलेक्ट करवाते थे आप तो उसी शेप में चला जाता था। अगर आपने कोई खुद से ऐसे शेप दिया ड्रा करके जिस तरह हमने किया था बैनर दिया था तो उसी में चला गया था। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास परस्पेक्टिव टूल है, ये मोस्टली यूज होता है आपके इमेजेस को एडजस्ट करने के लिए। जिस जो आपकी शेप है जो सी भी है वो किसी भी एंगल के ऊपर है तो उसमें आपका जो इमेज है वो एडजस्ट कर देता है। ये परस्पेक्टिव टूल छोटा सा, इसका यूज अगर हम देखें तो ये हमारे पास वो जिस तरह साइन बोर्ड वगैरह बने होते हैं वो किसी भी एंगल के ऊपर, अगर हम इधर ट्राई करें तो क्विकली साइन बोर्ड इस तरह से कोई बना होता है, ठीक है। ये साइन बोर्ड एक जल्दी से जो है वो किस तरह बनाता है, ये अभी ये कोई साइन बोर्ड बना रहे हैं क्विकली। ठीक है, डिस्पोज करें इस तरह का साइन बोर्ड है आपके पास, उसका थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, ये तो खैर स्ट्रेट ही है, इसकी एंगल भी बाद में चेंज करते हैं। अभी ये इधर लगा लें, ठीक है। कुछ इस तरह से अगर आपको साइन बोर्ड बना हुआ है आपका या इसके जो कॉर्नर्स हैं वो बाहर निकले हुए हैं, चलें पहले सिंपल पे करते हैं, तो आप अपना इमेज इसके ऊपर फिक्स करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो कैसे करना है? अभी कोई इमेज ले लेते हैं नेट से ही। ये हम इमेज लें, ठीक है, ये इमेज है आपके पास, इसको वैसे आप एडजस्ट करना चाहें तो ये आपको जो है ना इतना जो आपके लिए टफ होगा, ठीक है। तो अगर आप जाएं इसी इफेक्ट में, इफेक्ट और नीचे आए तो आपको इधर ये ऐड पर्सपेक्टिव लिखा हुआ ऐड पर्सपेक्टिव लिखा हुआ है, ये आप देखें इधर आपका इमेज बड़ा हुआ है, इसका कोई सभी कॉर्नर आप जो है ना इधर एडजस्ट कर लें,
ठीक है, पास भी आप कर सकते हैं, स्क्रीन शेयर है सबके साथ। जी ये राणा साहब वाला मसला मेरे साथ भी हो रहा है। चलें आप देखें फिलहाल इसको, फिर रिपीट कर लेते हैं अगर ना हुआ तो। ये देखें आप, इसका कोई सा भी कॉर्नर जो है किसी भी जगह के ऊपर एडिट कर सकते हैं। तो आपने यही इमेज जो है अपने इस बोर्ड के ऊपर अटैच करनी थी। मैं एक बार फिर से स्क्रीन जो है कर देता हूँ शेयर, अगर इशू है आपकी तरफ नेट का इशू हो सकता है। ठीक है, ये देखें हमारे पास सिंपल एक पिक्चर थी, इसको मैं दोबारा से कर रहा हूँ। ये हमने कॉपी किया है ऐसे गूगल से, तो ये आपके पास पड़ी है, इसको आप एडजस्ट करना चाहें इधर अगर, तो वैसे भी आप एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल आपके पास स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट शेप है, जो साइन बोर्ड आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल स्ट्रेट है, इसलिए इजी होगी। ठीक है, तो अगर कोई और शेप हो वो भी हम देखते हैं वो कैसे करनी है। अभी आप जाएं इफेक्ट में, इधर आपको नज़र आ रही होगी ये ऐड परस्पेक्टिव, ठीक है, इसके ऊपर एक बार क्लिक कर दें तो आपकी जो पिक्चर है, इमेज है, उसके ऊपर ये देखें इस तरह लाइंस ग्रिड बन जाएगा। ठीक है, इसके कॉर्नर को पकड़ें आप, तो ये जहाँ पे भी आप इसको एडजस्ट करना चाहें वो इजीली आपको अलाउ करेगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लेके आना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसको इधर रखना चाह रहा हूँ। ठीक है, और इसको यहाँ पे करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इजीली हम इसको जो है ना किसी भी जगह के ऊपर फिक्स कर सकते हैं जो हमने इसे शेप दी हुई है। ठीक है, अगर इसी तरह इसको मैं साइड पे कर रहा हूँ, सिलेक्ट नहीं हुई। ठीक है, इसको इसको साइड पे करते हैं, तो हमारे पास इसने बाय डिफॉल्ट भी काफी सारी शेप्स दी हैं। पहले कोई और इमेज ले लेते हैं। ये एक और पिक्चर है, इसको मैंने कॉपी किया है, तो इसको लेके जाना है किसी दूसरी शेप के अंदर। ठीक है, ये आप देखेंगे इधर हमारे पास पड़ी हुई है, इसके जाएं पर्सपेक्टिव में और इधर से कोई शेप आप सिलेक्ट करवाएं। ठीक है, वही से भी कर सकते हैं जिस तरह आपने, ये तो इनवेलप का ही है। ठीक है, तो ये इनवेलप के लिए ही था, परस्पेक्टिव की इमेज जो है एक, हाँ ये इनवेलप पे था कि अगर इसको इसमें करना हो आपने इनवेलप की शेप में, ये तो आपने कल देख लिया। ठीक है, पिक्चर को भी आपने इनवेलप में करना हो तो वो आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, एक सिंपल पिक्चर थी आपके पास, ये इनवेल्प की ऑप्शन है बेसिकली आपके पास। एक ये तो है इनवेल्प के लिए, अगर आप इसको इनवेल्प भी करना चाहें। ठीक है, कोई सी भी शेप जिस तरह हम कल कर रहे थे, ये वन बाई वन आप ट्राई कर सकते हैं, या खुद से अपनी किसी भी शेप में इसको करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये अगर एक और नई इमेज कॉपी, ये आपको जिस तरह ये नज़र आ रहा है साइन बोर्ड, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ठीक है, तो इसमें आप अपनी इमेज एडजस्ट करना चाहें ये वाली, ठीक है, जो भी आपने ली है, तो अभी आप इसको डायरेक्टली करना चाहें तो आपको काफ़ी जो है ना हार्ड वर्क करना पड़ेगी इसकी। ये देखें, ये हमने पहले ही से परस्पेक्टिव कर लिया हुआ है, अभी हम इसको परस्पेक्टिव में लेके जाते हैं। ठीक है, इसको कहीं से भी पकड़े आप इधर एडजस्ट करने के लिए, थोड़ा सा पास कर लेते हैं इसे इधर।
प्रैक्टिस कर ली है ये। तो यहाँ पे एडजस्ट कर दें, उसको उधर कर दें, ये जैसे भी आपकी शेप है आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है, उसको थोड़ा सा मूव करवाना चाहें इधर उधर वो भी आप ये कर सकते हैं, या इसको एक्सपेंड करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा बाहर, तो इस तरह अभी आप अगर देखें इसको जूम मोड करके तो जिस तरह से आपका साइन बोर्ड है उसी बिल्कुल उसी एंगल के ऊपर आपकी जो इमेज है वो एडजस्ट हो गई है। ठीक है, तो ये टूल है उसी से मिलता जुलता ही इनवेलप टूल से, कि आपकी जो शेप है उसके अंदर आपका ऑब्जेक्ट उसी तरह फिक्स हो जाता है जिस तरह आपने इसे शेप दी हुई है। ठीक है, जो भी आप कि साइन बोर्ड है बोर्ड आप करो उसके ऊपर नजर आ रहे होते हैं तो जो 3D एंगल में, ठीक है, किसी भी तरह की जिसकी भी आपकी शेप है उसमें आप इमेज जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं इजीली ये अपना पर्सपेक्टिव टूल यूज करते हुए। ये मोस्टली यूज होता है इमेज को एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, और ऑप्शन है ये इसी के नीचे है, तो क्लियर पर्सपेक्टिव है ये जो आपने इसके ऊपर अप्लाई किया हुआ है वो सारा रिमूव कर देगा। ठीक है, और दोबारा से करना चाहें तो बिल्कुल उसी तरह। बाकी ये इनवेलप के थे ऑप्शन, ये पहले से ओपन है, इसको अगर कल हमने टेक्स्ट के ऊपर देखा था। ठीक है, तो इनको आप इमेजेस के ऊपर भी जो है जैसे भी एडजस्ट करना चाहें ये हो सकता है। ठीक है जी, पहले भी देखा है, अभी भी देख सकते हैं इसी तरह, जिस तरह टेक्स्ट को कर रहे थे उसी तरह इमेज को इस फॉर्म में करना हो तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो कल का था, अभी जो आज का था वो पर्सपेक्टिव टूल है उसकी क्या यूज है वो आपने देख लिया होगा। ठीक है, इसी तरह कोई सी भी शेप जो है वो आप ले लें और उसको अपने इमेज को इधर एडजस्ट करें तो वो हो जाएगा। तो इसका यूज इतना ही है, छोटा सा टूल है ये, तो सबको क्लियर हो गया ये। ठीक है, इसका थोड़ा सा बड़ा अगर कर लूँ, कलर चेंज कर लेते हैं, तो इसके ऊपर अगर हम अप्लाई करें डिस्कवर टूल, ये इधर आपके पास पड़ा होगा, ये जो ड्रॉप शेडो कंटूर इसके नीचे है डिस्टॉर्ट टूल। ठीक है, इसको अगर क्लिक करें तो इसको अप्लाई करें किसी भी डायरेक्शन से, ये देख। ठीक है, कम ज़्यादा करें तो ये कुछ इस तरह आपका टेक्स्ट लिख देगा, इसका इफेक्ट कम करें ये आपको इस तरह नज़र आएगा। ठीक है, इसी तरह आप इधर से करें, ठीक है, अगर आप किसी और डायरेक्शन से कर लेते हैं तो आपके टेक्स को जो है कुछ इस तरह कर देगा। तो इसकी ऊपर प्रॉपर्टी में अगर जाएं, प्रॉपर्टी मेन्यू में, तो ये इसके प्रीसेट्स दिए हुए हैं, ये भी वन बाय वन देखते हैं। इसके आगे ये फर्स्ट वाला आपका सिलेक्टेड है, अभी जो पुश एंड पुल डिस्टॉर्शन है ये सिलेक्टेड है। इसके आगे जाएं तो जिपर है, ठीक है, इसको करें क्लिक, तो इफेक्ट जो है टेक्स्ट से वो ले लेते हैं, ये फर्स्ट वाला। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइज ज़्यादा कर लेते हैं। ठीक, अभी फिर जाए अपने टूल में ही, तो ये जिपर इधर से करें आप लेफ्ट। ठीक है, तो इसका इफेक्ट देखें तो ये कुछ ज़्यादा ही कम्प्लेक्स जो है आपका बना देगा। ठीक है, ये इसने ज़्यादा ही कर दिया इसको ज़ीरो, इधर से भी आप वैल्यू दे सकते हैं जो आपने सेलेक्ट करवाई है वो इधर से भी आप वैल्यू दे सकते हैं। ये देखें,
ठीक है, या ड्रैग कर सकते हैं, या वैल्यू ऊपर से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये इसके नीचे वेव्स वेव्स जो है जिपर फ्रीक्वेंसी, इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि इसकी जो लाइंस हैं वो कम आनी चाहिए, ज़्यादा आनी चाहिए। ये जो आपको छोटी वाली बारीक लाइंस नज़र आ रही, जैसे वैल्यू चेंज करेंगे तो ये देखना ऐसा इफेक्ट। ठीक है, इसको भी कम कर रहे हैं 0 0, और आपको जो इसको भी 0 कर दें। ठीक है, जो आपने सेलेक्ट करवाया हुआ है। ठीक है, एक बार दोबारा लें। इसी तरह आगे जाएं तो ट्विस्टर लिखा हुआ है, ये ट्विस्ट घुमा देगा आपको, ये वाला इफेक्ट जो है ना, ये देख ट्विस्ट कर देगा टेक्स्ट को जिधर भी आप करना चाहें। ठीक है, इधर कर दें तो ये आपका टेक्स्ट ट्विस्ट हो गया, बाद में चेंज करना चाहें। ठीक है, ये आपके पास जो हेड है, जिस तरह वो ग्रेडियंट टूल्स के अप्लाई कर रहे थे, इसको भी ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, बाद में भी चेंज कर सकते हैं अगर एक ट्विस्टर आपने अप्लाई किया हो। ठीक है, दोबारा करते हैं यही वाला ट्विस्टर जो है, जिधर भी आप हैंडल इसका करेंगे, ये आपने अप्लाई किया हो तो ये वाला करना। ठीक है, जितना आप इसको खोलेंगे उतना ये दूर जाएगा। ठीक है, इसको ऊपर ले आए, नीचे ले आए, तो ये आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको इधर ही छोड़ रहा हूँ, तो ये इस डायरेक्शन में डिस्टॉर्ट हो गया, भैया इसको ऊपर ही कर देते हैं। इसको ऊपर भी जाने भी करते हैं, तो नीचे ले आते हैं। तो ये है आपका ट्विस्टर। दूसरे वाला जो हमने कौन सा देखा था वो भी लिख ले, फर्स्ट वाला। ये सेकंड वाला हो गया जिपर, फर्स्ट वाला सिंपल है, पुश एंड पुल, वो आपने देख लिया, उसको भी इधर रख लेते हैं। कुछ इस तरह का इफेक्ट है इसके, कुछ है। सारे इसके डिफरेंट टूल्स होते हैं, डिस्टॉर्शन भी इसमें कहते हैं कि आपका जो भी है शेप उसमें डिस्टॉर्शन ये क्रिएट कर देता है, ये वाला टूल। ठीक है, इसके आगे डिफरेंट टाइप्स दी हुई हैं, उनको आप वन बाय वन अगर अप्लाई कर रहे हैं, जैसे हम इधर कर रहे हैं, ये ट्विस्टर है, तो फर्स्ट वाला पुश एंड पुल है ये जो आपको नज़र आ रहा है, उसके बाद ये जिपर है ये जो आपको नज़र आ रहा है फ्रीक्वेंसी वाला है। ठीक है, इसके बाद ट्विस्टर है, ये आपको टेक्स्ट को जिसने ट्विस्ट किया एक स्पेसिफिक एंगल के ऊपर। ठीक है, इसी तरह और देखें, ये टेक्स्ट के ऊपर ये भी हम कर रहे हैं, शेप की तरफ भी जाते हैं। ठीक है, इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं, और इसमें क्या चीज़ें हैं दोबारा अपने टूल की तरह। अच्छा, ये जिपर का देखें तो आगे इसकी भी टाइप दी हुई है, ये रैंडमाइज है, उसके बाद स्मूथ है, इसके साथ लोकलाइज है। इनको अगर वन बाई वन अप्लाई करें, तो पहले ये इफेक्ट अप्लाई कर लेते हैं, थोड़ा सा ये ज़्यादा ही होता है, ये इतना कर लेते हैं। चलिए वन भी करें तो काफ़ी वैल्यू, तो फ्रीक्वेंसी इसकी रख लेते हैं 5, और आगे वाले इफेक्ट जो है वो देखते हैं। तो ये कुछ इस तरह सा जो ब्लर सा आपको नज़र आता है। ठीक है, ये वो इफेक्ट है रैंडमाइज। उसके बाद अगर देखें स्मूथ है, ओके, स्मूथ वाला किस तरह है, वो पहले सिंपल कर लेते हैं टेक्स्ट, उसके बाद स्मूथ अप्लाई करते हैं।
स्मूथ वाला भी इसी तरह, जिस तरह ये था रेंडमाइज था, इस तरह से आपको टेक्स्ट का इफेक्ट नजर आएगा, आपकी लाइन से वो दूर हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह दोबारा इसको वापस जाते हैं तो ये लास्ट वाला लोकलाइज इसको करें क्लिक पर, ये अप्लाई करके देखें तो ये भी इसी मिलता जुलता। ठीक है, कुछ इस तरह ये आप देखें अगर ये, ठीक है, इस तरह अगर आपने टेक्स्ट जो है वो लिख के देखे होंगे। इसको दोबारा से अप्लाई करते हैं लास्ट वाले को, लोकलाइज को, इधर से जहाँ भी जितना जितने टैक्स के ऊपर आप ज़्यादा इफेक्ट करना चाहें वो आप अप्लाई करके देख सकते हैं। ये साथ इसके दिखा भी रहा है कि आपका इफेक्ट कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, यहाँ पे आप इसको स्टे करवाएंगे ये, तो ये जितना आप आगे जाएंगे उतना ही इसका इफेक्ट भी ज़्यादा होता जाएगा। अभी यहाँ पे अगर देखें हम, ये देखें, ठीक है, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, क्योंकि इफेक्ट जो है बहुत ज़्यादा हमने अप्लाई किया, उसको कम अप्लाई करते हैं, दोबारा जाते हैं अपने उसी टूल में लास्ट वाला, तो इसको थोड़ी सी इसकी वैल्यू ले लेते हैं यहाँ तक। लास्ट वाला लेना, इतनी वैल्यू इसकी ले लेते हैं। ठीक है, ये अभी देखेंगे, ये रीडेबल भी है और इसके ऊपर ये इफेक्ट जो है डिस्टॉर्शन इफेक्ट, डिस्टॉर्शन इफेक्ट पड़े हैं आगे, उसकी सब कैटेगरीज हैं सारी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से अप्लाई हो गया। ये अगर ख़त्म करना चाहें आप क्लियर डिस्टॉर्शन वो इधर से आप कर सकते हैं। ठीक है, ऐड न्यू डिस्टॉर्शन, एक और कोई आप अप्लाई करना चाहें यहाँ पे। ये आप न्यू भी ऐड कर सकते हैं, पहले का अप्लाई है उसके ऊपर एक और आपने अप्लाई कर दिया डिस्टॉर्शन, ये टैक्स वन बाय वन आप जो है इसकी ट्राई कर सकते हैं। ये सारी डिस्टॉर्शन है जो आपने टैक्स सेलेक्ट करवाया है या शेप दी हुई है उसका जो है शेप बिगाड़ देगा ये वाला इफेक्ट। ठीक है, तो ये था उसके ऊपर आपकी टैक्स के ऊपर, दोबारा जाते हैं और इसके ऑप्शंस हैं, बट अच्छा और इसके ऑप्शंस हैं, ये वाले प्रीसेट्स जो इसने दिए हुए हैं वो भी देख लेते हैं वन बाई वन। इसको साइड पे कर रहा हूँ, यही वाला टैक्स ले लेते हैं जो ऊपर लिखा है डिस्टॉर्शन का। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं, कलर भी चेंज कर लेते हैं। अच्छा, अभी दोबारा जाते हैं हम वापस अपने डिस्टॉर्शन टूल में और इसके प्रीसेट्स देखते हैं, फुल कॉर्नर्स। ठीक है, ये देखें तो ये इसके इफेक्ट इस तरह नज़र आएंगे, बाकी आगे वही टूल्स जो हमने वन बाई वन यूज़ किए हैं। ठीक है, दूसरा नीचे देखें आप, फुल कॉर्नर्स ये वाला हो गया, ये दूसरा इफेक्ट अप्लाई हो रहा है वो इफेक्ट के ऊपर है, इसके इफेक्ट डिस्टॉर्ट के। ठीक है, आगे प्रीसेट दिए हुए हैं वो किया था तो स्लो हो गया था सिस्टम, वो टैक्स के ऊपर है, आप वन बाई वन अप्लाई करके देख सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि डिस्टॉर्ट टूल है शेप्स के ऊपर ये किस तरह काम करता है, अभी इसको भी क्विकली देख लेते हैं। कोई सी भी शेप ले लें आप, रिकॉर्डिंग भी करना है। अच्छा, ये डिस्टॉर्ट टूल है शेप्स के ऊपर, पहले टेक्स्ट के ऊपर देखा, अभी शेप्स के ऊपर भी बिल्कुल उसी तरह, कोई भी ले लें, ये वाली ले लें, एलिप्स ले लें, इसको फिल करवा दें, तो डिस्टॉर्ट टूल हैं अभी आप इधर पड़ा होगा ये। ठीक है, इसको अप्लाई करें, ये शेप्स के ऊपर आपको क्लियर नज़र आएगा, टेक्स्ट के ऊपर क्यों नहीं था आ रहा, टेक्स्ट क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें आपके लिखे हुए अल्फाबेट्स होते हैं वो सारे मिक्स हो जाते हैं इस तरह से, वो आपको क्लियर नज़र नहीं आता। ठीक है, अभी शेप के ऊपर आप वन बाई वन देखें, ये इसको इधर करते हैं,
ये हम देखें इस तरह से अप्लाई होगा, नेक्स्ट वाला करें, ठीक है, या अलग ले लेते हैं इसके लिए लिप्स, ये आपके पास लिप्स है, ठीक है, ये दूसरे वाला अप्लाई करें, जिपर, जिपर कुछ इस तरह से हो इफेक्ट इसके, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी आप कंट्रोल कर सकते हैं, ये जो इसके निकले हुए हैं बाय एजिस कॉर्नर्स, ये उनकी देखेंगे वो कम ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, वो कर लें। इधर से आप इसकी एम्पलीट्यूड, मतलब आपने छोटे करने हैं या बड़े करने हैं जो कॉर्नर हैं, ठीक है, अगर इसको कम करें फिर आपको पता चलेगा, 3 और ये देख, ठीक है, ये आपका एरो जो है आगे भी जा रहा है, इसका इफेक्ट एम्पलीट्यूड या कितनी दूर तक होना चाहिए, ठीक है, ये इसी तरह एक और लेते हैं लिप्स, लिप्स ली, और ये थर्ड वाला जो है ट्विस्टर, इसको अप्लाई करते हैं, ये ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्ट को पहले टेक्स्ट के ऊपर दिखाया कि किस तरह ट्विस्ट करो, तो अभी ऑब्जेक्ट को देखें, जैसे भी आप करना चाहें, ये हैंडल से ट्विस्ट कर रहा पूरा, ठीक है, इस तरह ये इधर को अगर करना चाहें अपने हैंडल को घुमाते जाएं, जितना मर्जी इसको ट्विस्ट कर लें आप, ठीक है, अगर मैं इधर ही इसको छोड़ दूं तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये पूरा ट्विस्ट हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसी तरह एक और लेते हैं ऑब्जेक्ट, इसका भी कलर चेंज करते हैं और इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो प्रीसेट इसका चेंज करते हैं, ये वाला लेते हैं ट्विस्टर, ठीक है, इसको अगर देखें कम ज़्यादा करके, ये जितना आप ज़्यादा करेंगे उतने इसके ट्विस्ट ज़्यादा बनेंगे, ठीक है, मैं इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, चलें इतनी कर लें, तो ये कुछ इस तरह से ट्विस्ट बन जाएगा, कोई और शेप लेते हैं, ये इसके ऊपर भी दूसरा जो है प्री सेट को अप्लाई करते हैं, ये भी ट्विस्टर किया था, ये अलग करें जिपर, ये कर लेते हैं, चलें ये अप्लाई हो गया, इसकी वैल्यू देखें, एरो को मूव करें, ये कुछ इस तरह से इसके बाहर निकल आएंगे कॉर्नर, ठीक है, ठीक है, ये इसका इफेक्ट इस तरह से, तो ये और लें स्टेरिक ले लेते हैं, इसके ऊपर अगर अप्लाई करें, ये अब डिस्टॉर्ट टूल प्रीसेट, ये सारे आपको इफेक्ट इधर भी नज़र आ रहे हैं, ये पुश कॉर्नर्स लें, पहले ट्विस्टर स्टैम ट्रिपर ये कर लेंगे, पुश कॉर्नर यूज करें तो ये कुछ इस तरह से इफेक्ट नज़र आएगा, इसको अगर पास करें थोड़ा सा एरो को तो ये देखें पुश कॉर्नर, आप कॉर्नर सारे जो हैं इस तरह से आपको नज़र आएंगे, तो ये आप वन बाई वन जो है वो ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, ये शेप्स के लिए वो पहले आपने टेक्स्ट के लिए देखा इसके इफेक्ट, तो ये आपकी जो शेप बनी हुई है उसको बिगाड़ने के लिए यूज होता है, डिस्टॉर्ट करने के लिए, ठीक है, बाकी इसकी वैल्यू प्रॉपर्टीज बिल्कुल उसी करेंगे, वो आप वन बाई वन ट्राई कर लें, तो या तक किसी का भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। टूल था हमारे पास, ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन ये हम देखते हैं, इसमें तीन चार चीजें हैं,
इसमें से मोस्टली हमने की हुई है कवर, तो बाकी भी इसमें से देखते हैं कि क्या होती है ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको देखते हैं कि ये क्या करती हैं। इधर से अगर आप आए किधर करिए, ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में जाके आगे ये लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इधर से आप देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास, इनके डिफरेंट यूजेज हैं। पहले इसमें से मोस्टली हमने कवर की हुई है भाई, ये कहाँ से आप निकाल सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में जाके ट्रांसफॉर्मेशन, और ये इधर सारे लिखे हुए हैं, पोजीशन, रोटेट, स्केल एंड मिरर, स्क्यू, ये सारी अगर किसी एक को क्लिक करें तो इधर आपके पास जो डायलॉग बॉक्स है वो भी आपको नज़र आ जाएगा। ये पोजीशन पे मैं करता हूँ, तो पोजीशन क्या है, पोजीशन का इसी को टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, ठीक है। इसी को अगर कॉपी करें हम तो इसकी पोजीशन क्या है, चलें ये टेक्स्ट के ऊपर नहीं, हम देखते हैं इसको ऑब्जेक्ट के ऊपर कि पोजीशन क्या है। चलें इसके ऊपर भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पोजीशन है यही कि आपकी आर्ट बोर्ड के हिसाब से इसकी जो है वो लेफ्ट पे है, राइट पे है, टॉप पे है, बॉटम पे है। ये देखें अगर इसको अप्लाई करें तो इधर को मूव हो गया, इसी तरह ये नीचे वाली है, ये वर्टिकल पोजीशन है, ठीक है। ये आप इधर से कंट्रोल कर सकते हैं, ये पहले भी हमने देखी है, इधर भी आपको नज़र आ रही होती है प्रॉपर्टी बार में, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट आप लेते हैं तो इधर से पोजिशन आप कंट्रोल कर सकते हैं, इसी तरह ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर है, इधर जाके भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको ये इसकी नीचे पोजीशन है, रेलेटिव अपर राइट पे करना है, मिडल राइट करना है, या फिर सेंटर पे करना है, सेंटर में करना है तो ये 0-0 हो जाएगी, इसको अप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू भी देनी पड़ेगी, सेंटर के हिसाब से एडजस्ट कर देगा, इस तरह आगे वाली है, ठीक है। ये देखें, ये हमने किया है मिडल लेफ्ट, ये नीचे आए तो लोअर लेफ्ट है, इसको अप्लाई करें तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। किसी भी आप चीज़ की पोजीशन यहाँ से सेट कर सकते हैं, ये सारी वैल्यू दी हुई है, लोअर राइट है तो इधर आ जाएगा आपका टेक्स्ट लोअर राइट एरिया में, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा, सेंटर करें, सेंटर वहाँ के लिए आ रहा, ठीक है। तो इस तरह ये आप एडजस्ट कर सकते हैं, इसी तरह आगे जाएं आप, रोटेट है सबसे पहले आपके पास पोजीशन है, उसके बाद रोटेशन है, इसको आपने रोटेट करना है, वो आप देखें कि किस तरह रोटेशन, रोटेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एंगल हम देते हैं। रोटेट हम कैसे करते थे, इसके ऊपर आके आप डबल क्लिक कर लें, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, जैसे भी आप रोटेट करना चाहें, ठीक है। तो अभी इधर से अगर इसका एंगल चेंज कर दें, ये इधर भी आपको नज़र आ रहा है प्रॉपर्टी में, अगर आप देखें ये भी सेम चीज़ है, इधर से अप्लाई करें इसको, ये यहाँ पर रोटेट हो गया। ये देखें जब रोटेट किया हमने तो यही जो हम डबल क्लिक करके हमारे पास शो होती हैं चीज़ें, वही इसकी रोटेशन पे भी आ रही हैं, इसका सेंटर, इसकी रोटेशन, इसकी हर चीज़ यहाँ पर भी शो हो रही है, 15 का एंगल, एंगल जो भी कर लें चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ, इसको इधर करते हैं। ये देखें एक चीज़ ये है कि अभी क्या है कि जो रोटेट हो रहा है ये, ठीक है, ये जो एंगल दिया है 50 का हमने, ये देखो इस डायरेक्शन में ये रोटेट हुआ है। चलें ये ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो फिर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, इधर ही ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ये शेप ली है हमने कोई सी भी, ठीक है, इसको हमने रोटेट करना है, ठीक है। इसके ऊपर डबल क्लिक कर लें, इधर से भी आप रोटेट कर सकते हैं,
ये देखें, इसका जो आपको सेंटर नजर आ रहा है ये वाला पॉइंट, ये लिखा भी हुआ सेंटर, ठीक है, आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये इधर भी लिखा हुआ कि सेंटर आपने कहाँ पे एडजस्ट करना है। अगर मैं यहाँ से इसकी वैल्यू करना चाहूँ या इसको खुद से ड्रैग करना चाहूँ, ठीक है, तो ये होता है जो आपका ऑब्जेक्टर रोटेट होता है सेंटर के हिसाब से, जो सेंट्रल पॉइंट है उसके हिसाब से रोटेट हो रहा होता है। अगर ये देखें इसकी वैल्यू चेंज करें तो वो सेंटर पॉइंट जो है वो भी मूव कर रहा है, ठीक है, ये सेंटर की वैल्यू है, ठीक है, ये सेंटर की वैल्यू। तो अगर मैं इसको यहाँ पे करूँ तो अभी इसको रोटेट कराऊँ तो ये इस हिसाब से रोटेट होगा, ठीक है, सेंटर के हिसाब से। कैसे, ये 60 का एंगल ले लेते हैं, इसको अप्लाई करते हैं, तो अभी ये रोटेट हुआ लेकिन इसके हिसाब से, ठीक है। अगर इधर से भी करना चाहें तो ये देखें इसकी रोटेशन, पहले सेंटर पे रोटेट हो रहा था तो अभी ये जो हमने सेंटर इसका सिलेक्ट हुआ है वहाँ पर रोटेट होने लग गया, ठीक है। इसकी अगर ज़्यादा क्लैरिफिकेशन करनी है आपने तो वो देखें कि ये नीचे कॉपीज़ लिखी हुई हैं कि आपने रोटेट किया इसकी कॉपीज़ कितनी क्रिएट करनी है। मैं कह रहा हूँ कि हमने इसकी चलें 5 कॉपीज़ क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अब अप्लाई करते हैं तो ये देखें पॉइंट इसने एक ही रखा है अपना, सबका देखें 1, 2, 3, 4 और ये नीचे वाली 5 कॉपीज़ हो गई हैं, लेकिन सेंटर इनका कौन सा, यही वाला जो हमने इधर सेलेक्ट करवाया हुआ है, ठीक है। इसको देखें किसी और जगह पर लेके जाते हैं, चले यहाँ पे कर लेते हैं ऊपर, ठीक है। तो अभी अप्लाई करें 5 कॉपीज, तो इसको सेंटर कंसीडर करते हुए यहाँ पे ये रोटेट होगा, ठीक है, ये यहाँ पे रोटेट हो गया इसको सेंटर कंसीडर करते हुए, ठीक है। इसी तरह कोई और चीज़ देखें, अच्छा चले नया ले लेते हैं, किसी उसको मूव करवाते हैं, जिस तरह आपका प्लॉट है उसको जो है वो किस तरह, या आपने सर्कल जो है पूरा सर्कल कंप्लीट करना है स्मॉल डॉटेड से, वो कैसे करना है वो देखें। अभी एक लें आप, ये सर्कल लें, ठीक है, सपोज करें कि आप कोई इस तरह की सर्कुलर चीज़ जो है वो क्रिएट करना चाह रहे हैं कि आपके डॉटेड जो हैं वो पूरे सर्कल पे आए, ठीक है, वो आपने कैसे करा है वो देखें। आप इधर से लें एक स्मॉल सर्कल, इतना सा ले लें, ठीक है, इसका कलर भी चेंज, इसका ये ख़त्म करते हैं, ठीक है। अभी आपने इस सर्कल का अपने का सेंटर देख लें कि कौन सा है, ठीक है, कि सेंटर हमें क्यों चाहिए वो मैं अभी आपको बताता हूँ, सेंटर हमने क्यों सेलेक्ट करवाया, ये इसका सेंटर है हमारा, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि ये जो हमारा रेड आपको लिप्स नज़र आ रहा है रेड सर्कल, ये मूव हो यहाँ पे, ठीक है, पूरे सेंटर पे मूव हो, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका जो सर्कल सेंटर है आपके लिप्स का जो सेंटर है, ठीक है, इसको डबल क्लिक करूँ, ये इसका सेंटर है, अभी इसको कर दें यहाँ पे मूव, ठीक है, जहाँ से भी आपने इसकी करवानी है मूव रोटेट करवाना है वहाँ पे इसको एडजस्ट कर दें। हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे इसको अगर एडजस्ट करें इस स्मॉल सर्कल के, स्मॉल सर्कल के सेंटर को यहाँ पे एडजस्ट किया तो अभी ये यहाँ से रोटेट करेगा, इसको सेंटर कंसिडर करेगा और सारी रोटेशन इसी के गिर्द होगी, ठीक है। ये कॉपीज हम करते हैं अभी, सपोज करें 6 कॉपीज की हैं इसी की, ये ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्टेड है, इसकी कॉपीज करें तो ये देखें ये कुछ इस तरह से इसने कॉपीज क्रिएट कर दी हैं, 6 कॉपीज इसकी, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, एक वही पहले वाला वो 7, ठीक है। इसकी एक और चीज़ है वो हमने एडजस्ट नहीं की, दोबारा करते हैं इसका सेंटर, सेंटर सेंटर में है, इसकी कॉपीज ज़्यादा करके देखते हैं 12 कॉपीज, ऊपर नीचे क्यों आ रहा है, इसको भी सेंटर में करते हैं, इसका सर्कल ये,
ठीक है, सेंटर यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं, ये लगा हुआ है उसकी सेंटर, सेंटर ही बेल्ट सेंटर। अभी इसको अप्लाई करें, 1 2 3 4 5 6 12 कॉपीज हो गई हैं, लेकिन वो इस तरह से कुछ नज़र आएंगे आपको। ठीक है, ये देखें, मैं जो करना चाह रहा हूँ वो है कि आपका, अच्छा ठीक है, ये तो होगी आपकी कॉपीज 12। ठीक है, लेकिन ये सारी देखें कि ये कुछ तीन इधर हैं, तीन इधर हैं, दो इधर, दो इधर, तो ये आपको एंगल भी इसका एडजस्ट करना पड़ता है। सेंटर तो हमने कर लिया, एंगल 70 का दिया हुआ है, ये उसी एंगल के ऊपर सारी थ्रो कर रहा है आपकी आपकी नई शेप। अगर इसको कम करें, चलें 30 इसकी वैल्यू अगर हम कर लें, ठीक है, अभी इसको अप्लाई करें तो ये देखें 30 के एंगल के ऊपर आप इसने सारे थ्रो कर दिए आपके ऑब्जेक्ट जो 12 कॉपी हमने ली। इसको ज़्यादा कर लें, 20 करें इसको, तो अभी इसका इफेक्ट देखें तो ये कुछ इस तरह 20 के एंगल के ऊपर सारी थ्रो हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह इसकी वैल्यूज कम कर लें, इसको भी 6 कर लें और ये 20 रहने दें, तो अभी देखें इसका इफेक्ट सिर्फ इतनी, अगर आप स्पेस के ऊपर आप थ्रो करवाना चाह रहे हैं तो 20 के एंगल के ऊपर ये बनेगी। ठीक है, एंगल बढ़ाएंगे 40 करके देखें, 40 करें तो ये देखें, ठीक है 40 पे चले गए आपके, इनमें स्पेसिस बढ़ गई है और एंगल भी 40 का हो गया। ठीक है, इसी तरह हम क्या करते हैं, चलो 12 हमें चाहिए, एंगल 30 का रखते हैं और इनको 12 कर लेते हैं। पहले वाली भी अप्लाई है, उनको पहले डिलीट कर लें। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आपका जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी आपके ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो ये था ट्रांसफॉर्मेशन में। इसी तरह आगे इसकी दी हुई है स्केलिंग, स्केल मिरर और हॉरिजॉन्टल आपने करना है या वर्टिकल करना है वो आपने देखा हुआ है। चलिए इसको क्विकली कर भी लेते हैं। ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, इसका कलर करें, ठीक है, इसको कोई और कलर कर लें। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, ये जो आपको नज़र आ रहा है स्केल एंड मिरर, ये क्या है स्केल एंड मिरर, ये ठीक है स्केल एंड मिरर हाइट और विड्थ, जो वही जो आप इधर से कंट्रोल करते हैं वही चीज़ें हैं। आगे इसको मिरर हॉरिजॉन्टली करना है, वर्टिकली करना है, आपने स्टार्ट के लेक्चर में भी देखा हुआ है। ये करके अभी अप्लाई करें तो ये देखें इसका कलर जो है वो रिवर्स हो गए हैं, ये पहले पर्पल इधर था तो अभी इसको अगर अप्लाई करें तो ये साइड पे चला जाएगा। ठीक है, अगर इसी तरह दूसरा वर्टिकली तो ये इस तरह से हो जाएंगे, ये आप वन बाई वन ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद आगे साइज है, साइज वही आपके ऑब्जेक्ट का साइज, इसको ज़्यादा करें इधर से कम करें, ये साइज इसका वही है। ठीक है, इसी तरह स्क्यू है, स्क्यू क्या है किसी स्पेसिफिक एंगल के ऊपर, इसको यहाँ पे करते हैं, एक नया ऑब्जेक्ट लेते हैं। ठीक है, अभी इस स्क्यू का ऑप्शन पे जाते हैं। ठीक है, इधर से मैनुअली आप अगर करें हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, अभी तो जीरो रहने दें, अप्लाई करें तो ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। ठीक है, इसी तरह इसको ज़ीरो कर दें, इसकी वैल्यू चेंज करें, अप्लाई करें तो ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, स्क्यू हो रहा है, जो भी आप ऊपर इसका एंगल एडजस्ट करेंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टली करनी है वर्टिकली करनी है, दोनों करें, दोनों 20-20 करें, अभी अप्लाई करें तो ये इस तरह से हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह चलें इसको थोड़ा सा स्मॉल करते हैं, क्यू करना है, ये ज़ीरो करते हैं, इसकी कॉपीज़ भी हमने करनी है। ठीक है, 5-6 कॉपीज़ कर लें इसकी और अप्लाई करें तो ये देखें उसी एंगल के ऊपर 20 के एंगल पे हॉरिजॉन्टली। ठीक है, इसने 6 कॉपीज़ क्रिएट कर दी है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसी तरह इसको ज़ीरो कर दें और इसको 30 कर लें, अभी 6 कॉपीज़ ये कुछ इस तरह से इसके इफेक्ट नज़र आएंगे। ठीक है, इसी तरह आप जितनी भी इसकी चाहें कॉपीज कर सकते हैं।
अच्छा, जो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल है यूज़ होता है वो यही है आपका, जो सेकंड वाला है रोटेशन टूल। रोटेशन में क्या है, अभी यही ऑब्जेक्ट लें आप, ठीक है, इसका सेंटर आप जो सेंटर है ओरिजिनल वही रहने दें, और इसकी कॉपीज़ कर दें 12, नहीं 8 कॉपीज़ कर दें। तो अभी देखेंगे ये यहाँ पे इस तरह से कुछ डेट हो जाएगा, ठीक है, इस तरह कॉपीज़ क्रिएट हो जाएंगे, इसकी सेंटर वही रहा, इसकी कॉपीज़ बन गई। कंट्रोल जी करें, ये सेंटर इसका अगर चेंज करके देखें, ये वाला सेंटर मान लें इसको, और कॉपीज़ 8 ही रहने दें। अभी अप्लाई करें तो इसका कट देखें कुछ इस तरह से, इसी तरह जो सेंटर है वो ऊपर ले जाएं, इसकी कॉपीज़ वही। तो अभी इसको सेंटर समझते हुए यहाँ पे कॉपी सारी बनेगी ये, ठीक है। तो हम सेंटर में करते हैं, सेंटर में करें, और इसकी सेंटर में करेंगे तो यहाँ पे देखें एक्स और वाई दोनों 0 0 हो जाएंगे सेंटर के ऊपर। एक्स वाई जी और एक्स और वाई दोनों 0 0, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 0 0, तो वो सेंटर है। अभी 12 इसको करें कॉपीज, तो ये कुछ इस तरह से नजर आए, ठीक है। ये था सारा ट्रांसफॉर्मेशंस का, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं सारी इसकी। मोस्टली हमने पहले कवर किए हुए थे, नई चीज़ इसमें क्या थी, ये रोटेशन की, ठीक है। तो ये आप इसको करें ट्राई। तो लेक्चर जो है वो इतना ही था।